सीरियल पुण्य श्लोक अहिल्या बाई के आज के एपिसोड में दिखाया जाता है। अहिल्या लेखा अधिकारियों से बोलते हैं कि थोड़ी देर मुझे और मालराव को अकेला छोड़ दीजिए, और तभी लेखा अधिकारी बाहर चले जाते हैं। और तभी अहिल्या दरवाजा बंद करती है और मालराव से बोलती है कि सबके सामने कहना मुझे ठीक नहीं लगा, लेकिन अगर ऐसे ही चलता रहा ना मालराव, तो ये बातें मालवा के हर बच्चे की जुबान पर होंगी। जनता की समस्या को लेकर तुम कभी संजीदा थे ही नहीं, तुमने कभी भी एक आम आदमी की समस्या को गंभीरता से लिया ही नहीं है, और जब जनता आवाज़ उठा रही है तब तुम उनकी आवाज़ को दबाने की कोशिश कर रहे हो। ये कौन सा चलन है? एक दमन करने वाले क्रूर राजा की तरह तुम व्यवहार कर रहे हो। तो मालराव बोलता है कि आई सब अपनी हो या पराई, प्रजा प्रजा होती है, प्रजा कितना भी सर पटक ले वो राजा नहीं हो जाती। तो वैसे ही प्रजा को भी अपनी सीमा में रहना चाहिए, और इसी में उनकी भलाई है। हमें क्या करना है और कैसे करना है, अगर ये हमें कोई सिखाएगा तो हम भी उन्हें दिखा देंगे कि उनका स्थान क्या है। तो अहिल्या बोलते हैं कि मालराव तुम ये मत भूलो कि प्रजा की वजह से तुम्हारा अस्तित्व है। तो मालराव बोलता है कि छोड़िए आई साहब, हमारा अस्तित्व इसलिए है क्योंकि हम होलकर हैं, और ये हमारा नसीब है, कोई जनता की मेहरबानी नहीं है। तो अहिल्या बोलते हैं कि देखो मालराव, अपराध को नकारने से ना अपराध मिट जाता है और ना उस व्यक्ति की तकलीफ कम हो जाती है जिसके साथ हमने आपराधिक कृत्य किया हो, लेकिन हाँ, माफ़ी मांगने से आपराधिक कृत्य का आवेश जरूर कम हो जाता है, इसलिए अभी के अभी नर्मदा से माफ़ी मांगो। तो मालराव बोलता है कि माफ़ी मांगे, और वो भी हम ऐसा शायद आप समझी नहीं, राजा मांगता नहीं देता है। तो अहिल्या बोलती है कि अच्छा, तो देना चाहिए था, जब उस दिन नर्मदा तुम्हारे पास जल समस्या को लेकर मदद मांगने आई थी तब तुम्हें देना चाहिए था मालराव। तो मालराव बोलते कि ऐसा आप समझी नहीं, राजा जो भी देता है अपने मन से देता है, और एक बात और, ना हमें कोई झुका सकता है और ना हमें कोई तोड़ सकता है, और इसलिए आप इससे कह दीजिए कि ये यहाँ से चली जाए। तो अहिल्या बोलते कि वो कहीं नहीं जाएगी मालराव, जब तक इसे न्याय नहीं मिलता और तुम्हें तुम्हारे किए की सज़ा नहीं मिलती, ये लड़की यहाँ से कहीं नहीं जाएगी। तो मालराव बोलते कि कौन देगा हमें सज़ा, आप देंगी या ये? पर आई साहब, आपसे तो वो सारे अधिकार छीन लिए गए हैं, तो अब आप कुछ नहीं कर सकती। और हाँ, आपने जल परियोजना को लेकर धन इकट्ठा करने की योजना बनाई थी, उसे भी तो हमने मिट्टी में मिला दिया है, तो अब आप कायदे से समझ लीजिए कि राज्य हमारे हिसाब से चलने वाला है, जनता की भलाई हो ना हो लेकिन आपकी जरूर होगी। तो अहिल्या बोलते कि ऐसा कभी नहीं होगा मालराव, क्योंकि मालवा में हमेशा से प्रजातंत्र था, है और हमेशा रहेगा। तो मालराव बोलते कि आई साहब, आप इस मामले से लड़की को लेकर मुझसे भिड़ेंगी? तो अहिल्या बोलते कि हाँ बिल्कुल, और ये लड़की मामूली नहीं है, ये प्रजा का वो हिम्मती चेहरा है जो एक अत्याचारी राजा का चेहरा सामने लाने के लिए अनजाने में सही लेकिन अपनी जान पर खेल जाता है। तो मालराव बोलते कि आई साहब, हम बचपन से आपकी जिद देखते आए हैं, लेकिन अब वो मौका आ गया है जहाँ पर आप अपनी जिद छोड़ने के लिए मजबूर हो जाएंगी, क्योंकि हम झुकने वालों में से नहीं आई साहब। तो अहिल्या बोलते हैं कि मुझे कोई शौक नहीं है तुम्हें झुकाने का या तुम्हें मजबूर करने का, मैं तो बस इस लड़की को न्याय दिलाना चाहती हूँ, और उसके लिए अगर तुम्हारा झुकना जरूरी हुआ तो तुम्हें झुकना पड़ेगा, और अगर तुम्हारा टूटना जरूरी हुआ तो तुम्हें टूटना पड़ेगा, लेकिन नर्मदा को न्याय मिलकर रहेगा, और हाँ, मालवा की जनता के लिए जल परियोजना भी शुरू होकर ही रहेगी, चाहे इसके लिए मुझे कोई भी कीमत क्यों ना चुकानी पड़े, मैं पीछे हटने वाली नहीं हूँ मालराव। और इसके बाद दिखाया जाता है एक सरदार गंगोबा तात्या से बोलता है कि जल परियोजना को लेकर बहुत बड़ा विवाद छिड़ गया है, छोटी रानी और राजकुमार आमने सामने आ गए हैं, कोई भी पीछे हटने को तैयार नहीं है। तो गंगोबा बोलते हैं कि जानता हूँ, लेकिन उससे भी बड़ी बात यह है कि एक लड़की आई है समता नगर से, लेकिन तभी यहाँ पर गौतमा भी आती है, तो वो सरदार वहाँ से चला जाता है। और तभी गंगोबा बोलते हैं कि रानी से आपने आने का कष्ट क्यों उठाया, मुझे बुला लिया होता। तो गौतमा भी बोलते हैं कि बस गंगोबा तात्या, क्या आपको नहीं लगता कि इस वाड़ी की मान मर्यादा, इस वाड़ी में मान सम्मान औपचारिकता, इनका कोई भी उचित स्थान नहीं बचा है? तो गंगोबा बोलते हैं कि देखिए रानी साहब। तो गौतमा भी बोलते हैं कि क्या देखें, देखने के लिए बचा ही क्या है, ये वाड़ा वो वाड़ा नहीं रहा जो मल्लारो सरकार ने अपने संस्कारों से बनाया था, जहाँ संबंधों में इतनी महीन बारीकियाँ होती थी कि लोग बोलने से पहले सोचा करते थे, कुछ करने से पहले लोग विचार किया करते थे, सर्वसहमति वाड़े के नियमों में सबसे पहले स्थान रखती थी, जहाँ एक दूसरे के विरोध में भी आदर सर्वोपरि था, लेकिन अब हमें एक दूसरे के ऊपर कीचड़ उछालने की तस्वीर दिखाई देती है। तो गंगवा बोलते हैं कि क्षमा चाहूंगा रानी साहब, लेकिन आप क्या करिए मेरी समझ में नहीं आ रहा। तो गौतमा बोलते हैं कि समझ में नहीं आ रही, जब आप समझना नहीं चाहते, कम से कम अब तो ऐसा मत होने दीजिए, आज एक बेटे ने अपनी आई के सामने अपराध करने के बावजूद भी उनका विरोध करने का साहस किया है, सर उठाकर साहस किया है, ये आज तक हमारे वाड़े में नहीं हुआ है, और ये सब जानते हैं कि इन सब के पीछे कहीं ना कहीं आपकी भी सहमति है। तो गंगोबा बोलते हैं कि रानी साहब, आप जानती हैं कि हमने इस वाड़े की मान मर्यादा का हमेशा ख्याल रखा है। तो गौतमा बोलते हैं कि हाँ रखा है, और इसलिए शायद मालराव के अंदर भी वो साहस आ गया है कि वो अपनी आई साहब के सामने उनका विरोध करने का साहस करने पर उतराया है। गंगोबा बताता है, शायद आप नहीं जानते कि आपकी इस वाड़े में क्या अहमियत है, शायद आप नहीं जानते कि मल्लारो सरकार आपके बारे में क्या सोचते हैं, आप नहीं जानते कि वो आप पर कितना विश्वास करते हैं, लेकिन अब ऐसा जरूर लगने लगा है कि आप इस वाड़े की मर्यादा के प्रति अपनी एकाग्रता खोते जा रहे हैं, अपने लक्ष्य से बढ़ते जा रहे हैं। और गंगोबा तात्या, बोलिए मत, इस लापरवाही की वजह से हमने अपना बेटा
अपने खंडराव को खोया हमने, अपनी बेटी और अपने जावे के रिश्ते को खोया है, और जिस राजमत की तलवार आपने मालराव के हाथों में थमाई है, कहीं ऐसा ना हो कि उसी तलवार से वो अपना गला काट ले। तो इसलिए नींद से जाग जाइए और केवल अपनी जिम्मेदारियों को निभाइए। तो गंगोबा बोलते हैं कि रैन साहब, मैं आपको आश्वस्त करता हूँ, मेरी वजह से इस बाड़े में ऐसा कुछ नहीं होगा जिससे आने वाली पीढ़ियों को शर्मिंदा होना पड़े, और मैं आपको ये वचन देता हूँ। और तभी गौतमा भी वहाँ से चली जाती है। और इसके बाद दिखाया था नर्मदा अहिल्या से बोलती है कि अगर मैंने राजकुमार जी का विरोध किया तो कल को वो मुझसे बदला लेंगे, और इसलिए मैं उनका विरोध नहीं करना चाहती। तो अहिल्या बोलते कि मैं मालराव को अपनी मनमानी नहीं करने दूंगी, मुझ पर भरोसा रखो नर्मदा, और मेरी बात ध्यान से सुनो, ये सिर्फ तुम्हारी बात नहीं है, इस वक्त तुम मालवा की जनता हो, अगर तुम्हारे साथ कुछ गलत होता है तो राज्य में गलत संदेश जाएगा, पूरा हिंदुस्तान ये समझेगा कि होलकर वाड़े में न्याय नहीं मिलता। और इसी के साथ ही आज का एपिसोड खत्म होता है। तो वीडियो पसंद है तो लाइक करें, और इस तरह के अपडेट जानने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।